हेलो प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ के लिए जो सबसे दिक्कत देने वाला स्टार्टिंग वाले चैप्टर में टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग का तोड़ मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बैलेंसिंग में। आज का सेशन आप लोग देखें, 7 से 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस सेशन के अंदर, जिसमें आपको हर एक चीज में सिखा दूंगा कैसे बैलेंसिंग को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक सेशन का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन। देखते हैं यहां पे बैलेंसिंग होती क्या चीज है। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले ये है आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन में इधर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं रिएक्टेंट्स और इधर होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। अब जितना रिएक्टेंट में यहां आपने यहां पे एटॉमिक मास लिया है उतना ही प्रोडक्ट्स का टोटल एटॉमिक मास हो जाना चाहिए। अब समझाता हूं छोटा सा एग्जांपल। अब मैंने 10 ग्राम बादाम लिए, 20 ग्राम अखरोट लिए, टोटल हो गए 30 ग्राम। एक पोलोथीन ली जिसका वेट है 1 ग्राम। तो अब मेरे पास टोटल मिला के कितना ग्राम है उस पोलोथीन को, जब मैं उसमें बादाम और अखरोट भर लूंगा तो भरने के बाद दैट इज 31 ग्राम। तो जो चीजें हम लेते हैं उनको एक साथ जब इकट्ठा देखते हैं वो अलग अलग थे पहले, उनको एक साथ लेके आए, पहले जितना उनका सबका वेट था बाद में भी इकट्ठा होके उनका सबका उतना ही वेट रहना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट्स का जितना मास है मतलब इसकी रिएक्शन इससे कराई ये चीजें बनी, तो जिनकी रिएक्शन आपस में कराई अगर ये जितने भी ग्राम था x ग्राम, ये है y ग्राम, तो इन दोनों को जोड़ के x प्लस y ग्राम बना, तो इधर भी x प्लस y ग्राम ही आना चाहिए। अब यहां x y और ग्राम्स में वैल्यू दे नहीं रखी तो फिर क्या करें, फिर क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर है इसका 12, ठीक है। अब आप बात को समझो कि इसका वेट एक तरीके से 12 ग्राम है, ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूं, ये 12 ग्राम है, इधर एक ही कार्बन है इसका भी 12 ग्राम है, तो इट मींस कार्बन और कार्बन सही है अपनी जगह। लेकिन यहां सल्फर के 2 एटम है, यहां सल्फर का 1 एटम है, इधर वाले सल्फर से इस वाले सल्फर का वेट डबल है क्योंकि उसके एटम डबल है। तो इन एटम को अगर मैं बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एटम बराबर होते ही उनका वेट भी बराबर हो जाएगा, मतलब मास बराबर हो जाएगा, बस यही काम करना है। तो इसलिए हम इनके जो है एटम्स, कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपस में इक्वल कर देते हैं, उसी को करने को कहते हैं बैलेंसिंग। अब उसको समझते हैं। देखो आपके पास यहां कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है इस फॉर्मूले का, बैलेंसिंग का, इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो जो बच्चे वीक है जिनको इनमें दिक्कत आती है तो बैलेंसिंग के टाइम इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। तो बैलेंसिंग समझो, बस आप समझो आपके लिए सी एस एंड ओ की बात हो रही है। अब सी के जितने इधर एटम है उतने ही उधर भी होने चाहिए, जितने एस के इधर एटम है उतने उधर, ओ के जिधर इतने हैं उतने ही उधर होने चाहिए, ये बात आपको समझनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात समझा दूं, CH2 है, अगर मेरे को कार्बन के 2 एटम बनाने हैं तो मैं यहां 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मूले में होता है। तो ये तो बात हो गई गलत। अगर आपको इसको CH2 C को 2 करना है, C के एटम 2 करने हैं तो यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन उससे क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई करने से कार्बन के तो 2 हो गए लेकिन सल्फर के 4 हो जाएंगे। तो ये दूसरी बात है जो आपको माइंड में रखनी है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी, इसके भी एटम डबल हो गए, इसके भी डबल, इसके ऑलरेडी 2 थे तो इसके हो जाएंगे 4। तो ये 2 बातें जो मैंने अभी सिखाई इनको दिमाग में सेट कर लिया तो बैलेंसिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अभी बैलेंसिंग को समझते हैं कैसे करते हैं। अब जो एटम एलिमेंट, जो एलिमेंट अकेले हैं उनको सबसे बाद में बैलेंस करते हैं, ये याद रखना, उनको सबसे बाद में लेके चलना। अब जो कंपाउंड में है एलिमेंट्स उनको करना है पहले, जैसे यहां कार्बन है और सल्फर है, इनको बराबर कर दो इधर उधर। अब कार्बन इधर अकेला है, इधर भी अकेला, तो कार्बन की बात नहीं करनी, कार्बन को अभी नहीं करेंगे बैलेंस। बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे सल्फर से। सल्फर के यहां कितने एटम है, ये H2 का मतलब है 2 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है। यहां सल्फर के 2 एटम है, यहां सल्फर का 1 एटम है, तो उसके लिए आप लोगों ने करना है यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2SO2, ऐसे करेंगे। अब इससे क्या क्या चेंजेस आए उसको समझो। यहां सल्फर के 2 हो गए लेकिन यहां ऑक्सीजन के यहां 2 से 4 बन गए, और ऑक्सीजन के 2 यहां पर है
तो ऑक्सीजन के दो यहां पर टोटल इधर है सिक्स, ऑक्सीजन के यहां टोटल सिक्स है, कार्बन का यहां कितना है अकेला है वन है, चलिए ऑक्सीजन सल्फर के हमें पता चल गया टू है, ऐसे करके आपने समझ लिए। अब वही चीज आपको इधर भी बनानी है, कार्बन के हमें कितने बनाने हैं वन, यहां कार्बन का वन है तो सी, सल्फर के मुझे यहां दो बनाने हैं क्योंकि उधर दो है तो यहां भी दो ऑलरेडी है तो इसमें कुछ नहीं करना, ये बन गया। फिर ऑक्सीजन के मुझे बनाने हैं सिक्स, यहां ऑक्सीजन के हैं टू, तो मैं अब यहां थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर हम कहेंगे ऑक्सीजन के छह हैं, तो O2 और गिव CO2 प्लस 2SO2, ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है ये आपकी नॉलेज के लिए है, इसको इक्वेशन में लिखना नहीं है, ये किसी काम के नहीं है, समझने के लिए, काम के तो बहुत है समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। इस तरीके से आपको करनी है बैलेंसिंग, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेता हूं क्लियर करने के लिए, ये ले लिया हमने यहां मैग्नीशियम कार्बन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है बच्चों। अब बात किसकी करें भाई, इधर कार्बन अकेला है और इधर मैग्नीशियम अकेला है, जो अकेले अकेले हैं उनको बाद में देखेंगे क्योंकि उनके साथ हम कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। अब बात किसकी आती है जो दोनों में कंपाउंड के साथ है, वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के इधर दो एटम है इधर एक है तो इसको इक्वल करना है, तो यहां टू की मल्टीप्लाई कर दो। अब Mg के इसके साथ ऑक्सीजन के दो करने के चक्कर में Mg के भी दो हो गए। अब अगर Mg के दो हो गए तो इधर Mg के करने में मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि खाली Mg है, उसमें तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो उसकी बात नहीं करेंगे। कार्बन यहां एक है उसके साथ कोई चेंज नहीं आया, यहां कार्बन एक है तो इसे कुछ नहीं करना, इसे चेंज होना ही नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है। अब बात सिर्फ Mg पे आई क्योंकि Mg चेंज हुआ, उसमें यहां टू की मल्टीप्लाई कर दो तो Mg के भी दो हो जाएंगे, तो इधर Mg के दो हो गए इधर भी Mg के दो हो गए, ऑक्सीजन की टू से मल्टीप्लाई होकर ऑक्सीजन के दो हो गए, ऑक्सीजन के यहां ऑलरेडी दो है, कार्बन अकेला है ये कार्बन अकेला है, हो गया बैलेंस। तो आपने यहां एक टू की मल्टीप्लाई यहां की एक यहां की, क्योंकि वो आप समझ गए होंगे, उसी को कहते बैलेंसिंग। किसी कोई भी डाउट आ रहा है ना कमेंट बॉक्स में लिखना, नेक्स्ट क्लास में फिर से उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। थर्ड पार्ट पे चलता है, देखो अब आ गया ऐसे वाले जिसमें ब्रैकेट में बंद होके बाहर एक फॉर्मूले में जो है मल्टीप्लाई लिखी रहती है, बिल्कुल वीक से वीक बच्चा जिसको बैलेंसिंग कभी समझ में नहीं आई, ये इसके बाद ना इस सेशन के ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको बैलेंसिंग समझ में ना आए, इतने बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहां इसका मतलब क्या है पहले इसे समझो भैया, बहुत से बच्चे हैं ना जिनको यही नहीं पता तो बैलेंस क्या करें सर हम। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ये टू जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई है, कैल्शियम के साथ नहीं है, सीए अकेला है, सीए का एक एटम है, यहां सीए का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहां दो एटम है, हाइड्रोजन के यहां दो एटम है। अब यहां कार्बन के दो साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन के दो साफ साफ दिख रहा है। अब इधर के टोटल एटम कैसे काउंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां दो है और हाइड्रोजन दो यहां है तो टोटल हाइड्रोजन यहां चार है, ऐसे आपको समझना है, ये भी याद रखना है, टोटल लेना होता है सारे हाइड्रोजन के, यहां हो वहां हो वहां हो कितने के साथ भी हो सबको ऐड करके टोटल हाइड्रोजन तब बनता है। चलो अब बात करते हैं कि भाई सर ने तो ये बताया था कि जो अकेला होता है उसको सबसे बाद में करते हैं, अब यहां अकेला तो कोई है ही नहीं, सब किस में है कंपाउंड में, तो फिर हम लेते हैं सबसे पहले मेटल्स। अब जैसे यहां कैल्शियम है, सीए ले लिया, यहां भी सीए ले लिया, चलो भाई एक एक है कुछ नहीं करना इसके साथ, ठीक है। फिर सी के यहां दो हैं और सी के यहां भी दो हैं, इसके साथ भी हमें कुछ नहीं करना, कहानी कहां है हमें जरूरत कहां पड़ रही है वो यहां देखो, हाइड्रोजन के दो यहां हाइड्रोजन के ऑलरेडी दो हैं, ऑक्सीजन का यहां अकेला है यहां है दो, तो इस ऑक्सीजन के दो बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के दो हमें तो दिख रहे हैं यहां, यहां भी दिख रहे हैं हाइड्रोजन के दो, लेकिन हाइड्रोजन के दो यहां भी तो है बच्चों, तो इधर टोटल हाइड्रोजन चार है, तो हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये अगर इधर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से देखोगे कंपेयर करके, हाइड्रोजन इधर दो है ऑक्सीजन वन है, इसका डबल है इसका डबल है, तो इसमें अगर मैं टू की मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का डबल आ जाएगा, और उधर भी इन दोनों का डबल ही है, तो सी ए सी टू प्लस टू एच टू ओ गिव्स सी ए का एक एटम, सी के दो एटम, हाइड्रोजन के टू टू जब फोर एटम, ऑक्सीजन का टू वन जब टू एटम। यहां कुछ नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, तो सी ए का एक एटम, ओ एच का होल ट्वाइस है तो ओ के है यहां दो एटम और एच के ये दो, ठीक है, प्लस सी टू एच टू, तो सी के यहां दो एटम, एच के ये दो एटम, ये दोनों एच के हैं तो टू प्लस टू इज फोर,
तो एच के फोर आगे भैया, ओके टू आगे जी, सी के टू आगे भैया, सी ए का वन, सी ए का वन आ गया। ऐसे कंपेयर करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो आपने सही किया या गलत किया। बाकी आंसर क्या है आपका, ये रहा आंसर, बस टू की मल्टीप्लाई करनी थी, एच टू ओ में आपके बैलेंसिंग हो गए, दोनों तरफ एटम्स इक्वल हो गए। एटम इक्वल होने का मतलब एटॉमिक मास भी इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट। अब इसमें आती है कहानी, देखो यहां भी आप बात को समझो कि यहां एच क्या है, देखो बच्चों टू है, इवन है, यहां है ओड। ठीक है जी, अब बात को समझना, क्या कहना चाह रहा हूं, यहां आप एच को छोड़ दो, मैंने जो समझाया आपको अकेला है उसमें तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको देखेंगे बाद में, उसको अलग कर दिया मैंने, यहां एल को अलग कर दो, इसे भी हम बाद में देखेंगे। फिर किसे देखें सर, क्लोरीन दोनों तरफ जो है कंपाउंड फॉर्म में है, अकेला अकेला नहीं है, तो क्लोरीन पे आ जाओ। अब क्लोरीन यहां तीन है और यहां एक है, तो इसमें तीन की मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन के तीन हो जाएंगे, तो क्या बन गया नया, जो आपका इनका कंपोजिशन है वो ये बन गया AlCl3+H2। ठीक है भाई, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। एक स्टेप कंप्लीट होते ही अब यहां एक कहानी हो गई, वो क्या हो गई, Cl के तीन करने के चक्कर में H के भी तीन हो गए, और H के यहां दो है। अब हम H के में तो कितने की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई क्या करूं कि 3 के इक्वल आ जाए, 1.2 की 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब भी मोलिक्यूल्स की वैल्यू होती है वो कभी भी एटम्स की वैल्यू और वो मोलिक्यूल्स की वैल्यू आपकी 1.5 हो ही नहीं सकती, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, तो ये पॉइंट्स में लेना नहीं है, तो इसलिए इसे हम नहीं कर सकते। चलिए तो फिर आप कौन सा तरीका है सर, फिर तरीका ये है कि इधर जो ओड है और इधर जो इवन है इनको दोनों को इवन बना दो। इवन कैसे, इसकी इसमें और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 = 6 एच सी एल कर दो, और 3 × 2 यहां 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो गया। तो ऐसे आप इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें इक्वल करने के लिए करते हो, वही मैंने यहां पे किया। अब इसे करती, सीएल के कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, और सीएल के यहां 2 है 3 है, तो 3 का कितना टाइम्स करूं कि 6 हो जाए, 2 टाइम्स कर दिया मैंने। अब 3 × 2 = 6 AL क्योंकि अकेला है, इसमें तो जितने इधर AL के होंगे उतने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, उधर AL के 2 हुए तो इधर भी मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसे करके ओड इवन वाले झंझट से बाहर निकल जाते हैं। ये थे ओड इवन वाली इक्वेशन, मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे हर टाइप का जो इक्वेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं AL के यहां 2 है, यहां भी 2 है, भाई H के यहां 6 है, 3 × 2 = 6 एच के 6 है, क्लोरीन के 6 × 1 = 6 है, 2 × 3 = 6 यहां भी क्लोरीन के 6 है, हो गई ना बैलेंस। ऐसे करके बैलेंसिंग करते हैं, 2 से 3 स्टेप में हर किसी भी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखें, यहां एच के 2 है, यहां एच के 2 है, एस का 1 है, एस का 1 है, यहां ओ के 2 है, यहां ओ के 2 और 1 3 है। अब फिर क्या करते हैं ऐसे केसेस में, यहां ऑक्सीजन है 3 और यहां है 2, अब ओड को इवन बनाना है, ओड किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसका मतलब इसे इवन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे कर दिया मैंने, अब मेरे पास ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन 4 हो गए, इवन बन गया। इसको मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि ये अकेला है, 2 से मल्टीप्लाई की तो ये भी हो गया 4, ऑक्सीजन के मेरे 4 हो गए। ठीक है, अब यहां क्या है, H2S है, एच के देखो यहां कितने हो गए, 4 हो गए, 2 × 2 = 4, अब यहां एच के है खाली 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एच के कितने हो जाए, 4 हो जाए, एच के 4 हो गए, एस के भी तो 2 हो गए, यहां एस का अकेला है तो एस के 2 कर दिए मैंने, लो जी एस के 2 कर दिए, प्लस 2H2O। एस के 2 करने के चक्कर में अब मेरे पास क्या हुआ, देखो बच्चों आपको एक एक स्टेप आगे लिखते रहना है, ये थोड़ा सा इसको बदलने के चक्कर में वो बदल जाएगा, तो अगले स्टेप में उसको चेंज कर देंगे, करने कोई नए स्टेप में भी कर सकते हैं, बट एक स्टेप में करोगे गलतियां हो जाएंगी, स्टेप बढ़ा दो। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया, इसको एस के यहां 2 हो गए लेकिन ऑक्सीजन के 2 × 2 = 4 और 2 यहां है, ऑक्सीजन के 6 हो गए। अब यहां ऑक्सीजन O2 था, 2 की जगह मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ तो मैं किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि वो अकेला है, उसके मल्टीप्लाई करने से बाकी किसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यहां देखो एच के कितने हो गए, 2 × 2 = 4, एस के कितने हो गए, 2 × 2, ओ के कितने हो गए, 6, इधर एस के कितने हो गए बच्चों, 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों,
टू टू जब फोर और टू सिक्स और बचा क्या H, H के कितने होंगे टू टू जब फोर। देखो सेम ही तो आ गए, ये इससे मैच कर रहा है, ये उससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया लगा है सेशन तो लाइक करना, फॉरवर्ड करना बाकी बच्चों तक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।